दो प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, जब इस प्रश्न को हल कर लेंगे उसके बाद दूसरा प्रश्न आपके बीच आएगा। दोनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्नों को पढ़ते हैं। संध्या एक घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है, इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। इस प्रश्न को कैसे हल करें? प्रश्न काफी सरल है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं भिन्न संख्या का प्रयोग हुआ है, इसलिए कठिन लग रहा है। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, प्रश्न को पढ़ते हुए कुछ काम करते जाना है, आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि क्या करना है। संध्या एक घंटे में एक किताब का इतना भाग पढ़ती, इसका मतलब क्या हुआ? एक घंटा यदि वो पढ़ाई करती है तो वो एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। 1/3 भाग का मतलब मान लीजिए ये टोटल किताब है जिसमें पृष्ठ की संख्या मान लो 60 है, मान लीजिए तो 1/3 अर्थात जो है 3 ही समय एक हिस्सा अर्थात 20 पेज वो पढ़ाई करती है, ये हमने माना है। ठीक है, अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि वह जो है 2 सही 1/5 घंटा पढ़ाई करती है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है कि कितना भाग पढ़ने को शेष बचा है। अब कितना भाग पढ़ने को शेष बचा है यह हमें तब ज्ञात होगा जब हमें यह पता हो कि उन्होंने कितनी पढ़ाई की है। तो कितनी पढ़ाई की यह जानने के लिए हमें यह पता करना होगा कि 2 सही 1/5 घंटा में उन्होंने किताब का कितना भाग पढ़ाई कर ली। आपने जब एक एक नियम पढ़ा, जैसे कि एक पेन की कीमत 5 रुपये है तो 4 पेन की कीमत कितना होगी, जैसे ही पूछा जाता है आप तुरंत बता देते हैं कि यहां पर 20 रुपये होगा, 4 × 5 या 5 × 4 करके आप निकाल लेते हैं। यहां पर ठीक वही बात है, आप देख सकते हैं एक पेन का कीमत दिया था, 4 पेन का पूछा है। यहां पर एक घंटा में कितना पढ़ाई करती है वो दिया है और इतना घंटा का पता करना, इसका मतलब क्या होगा, इस 1/3 में जो कि यहां पर है इसका गुणा हमें 2 सही 1/5 से करना होगा। तो 2 सही 1/5 से करना है, यहां पर देख सकते हैं 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 और 10 × 11 तो यह हो जाएगा 11/5। ठीक है, अब इसको आप गुणा करोगे तो हो जाएगा 11 × 11/15, तो वो जो है इतने घंटे में 11/15 भाग पढ़ाई करती है। अब 11/15 पढ़ रही है, इसका मतलब कितना भाग शेष बचा, 4/15। ये कैसे हुआ, हमने क्या किया इस जगह पे, हम कौन सा काम किए कि हमने डायरेक्ट यहां पर बता दिए कि 4/15। हमने आपको बताया था जब भिन्न पढ़ाया है कि कहीं भी ऐसे 2/5 है, इसका मतलब क्या है, ये सैघो है, सैघो को 5 हिस्सा में बांटा गया और 5 में से 2 हिस्सा, इसका मतलब 3 हिस्सा शेष है, 3 हिस्सा और बचा है। तो ठीक यही कॉन्सेप्ट यहां पर हुआ कि 15 में से 11 हिस्सा, ठीक है, टोटल 15 हिस्से में से 11 हिस्सा पढ़ाई कर ली है तो 4 हिस्सा बचा है ना अभी, तो 4/15 बचा है। या फिर यहां पर भी आपको यदि दिक्कत हो रहा है तो आप एक संपूर्ण सैघो में से आप 11/15 को घटा दीजिए, आपको यही उत्तर मिलेगा। अगला प्रश्न आपके बीच है, देखते हैं। प्रश्न काफी कठिन भी नहीं है, सरल भी नहीं है, अच्छा प्रश्न है। यदि किसी वस्तु को 10% लाभ तथा 15% के लाभ पर क्रमशः बेचने पर अंतर ₹20 है तो उस वस्तु का दोनों विक्रय मूल्य ज्ञात करो। प्रश्न कठिन है, सरल है, आप बताएंगे। ठीक है, यहां पर देखिए कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, इस वस्तु को बेचने की 2 कीमत बताई गई है, पहला जो है 10% लाभ में और दूसरा जो है 15% लाभ में। यहां पर दोनों लाभ पर बेचने पर अंतर ₹20 है, तो इसको समझिए अंतर क्या है। यदि 10% लाभ पर बेचते हैं तो कोई ना कोई राशि उसका होगा, कुछ ना कुछ रुपया होगा, और 15% अर्थात ज्यादा लाभ कमा के बेचता है तो पहले की तुलना में ज्यादा हो गया, तो पहले की तुलना में जितना ज्यादा हुआ उसी का मान है ₹20। ठीक है, ₹20 ज्यादा होता है। अब हमें सबसे पहले यह पता करना होगा कि पहले की तुलना में कितना प्रतिशत ज्यादा में बेच रहा है। यहां पर देख सकते हैं 5% लाभ ज्यादा हो रहा है, 5% ज्यादा, तो ये 5% का मान ही ₹20 है। अब हमें यह पता करना होगा कि किस राशि का 5% 20 होता है, और यदि हम उस राशि को पता कर ले तो वही जो राशि है क्रय मूल्य होगा, क्योंकि लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर निकलता है। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, क्रय मूल्य को मानना होगा। आप मान लीजिए एक्स, क्योंकि आप एक्स के आधार पर हल करते हैं, अभी इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा। मान लीजिए वो क्रय मूल्य एक्स है तो एक्स का 5% = 20 होगा, है ना भी, आप इस तरीके से हल करते हैं। हमने जब बेसिक पढ़ाया था प्रतिशत का, तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर किसी संख्या का
प्रतिशत दिया रहता है और उसका मान दिया रहता है, तो इसको इस प्रकार से हल करने के लिए बताया जाए। सबसे पहले 100 लिख दीजिए, उसके बटे में जितना प्रतिशत उसको लिखिए, उसके बाद उसका जितना मान है उससे गुणा कर दीजिए। तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, उसके बाद 400। तो उस राशि का जो मान है, क्रय मूल्य जो है वो है 400 रुपया। अब आपको यहाँ पर क्रय मूल्य पता चल गया। अब क्रय मूल्य का 10% लाभ, क्रय मूल्य का 15% लाभ, इस आधार पर दो विक्रय मूल्य होगा। तो सबसे पहले आप जो है 400 का 10% निकालेंगे, तो 400 का 10% कितना होता है, 40 होता है। कैसे पता करेंगे, सबसे पहले आप 400 लिखेंगे, 400 का 10% उसके बटे में 100 करेंगे, है ना भाई। आप देख सकते हैं यहां पर कट गया, यहां पर कट गया, 10 चौक 40। अब यहां पर 15% है तो यहां पर 15 करेंगे, 15 चौक 60, इसका मान हो जाएगा 60 रुपया। तो यहां पर 40 रुपया का लाभ कमा रहा है, यहां पर 60 रुपया का लाभ कमा रहा है। टोटल उसका जो क्रय मूल्य है वो 400 रुपये था। 400 रुपये में यदि 40 रुपये लाभ कमाता है तो कीमत हो जाएगा 440, है ना भाई। और 400 में यदि 60 रुपये लाभ कमाता है तो कीमत हो जाएगा 460। इस प्रकार से ये इसका उत्तर हुआ। ये दोनों प्रश्न आपको कैसे लगे, आपको समझ आया कि नहीं, अवश्य बताइएगा। जुड़े रहिए उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।